प्रजापति समाज का रक्तदान शिविर 153 यूनिट रक्त एकत्रित। श्री प्रजापति जेम्स एंड ज्वेलरी विकास समिति जयपुर द्वारा रविवार दिनांक 29 अक्टूबर 2023 को तृतीय विशाल रक्तदान शिविर SS पैराडाइज गार्डन मानसरोवर जयपुर में आयोजित किया गया। रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में प्रजापति समाज बंधु और अन्य लोग उपस्थित रहे। इस रक्तदान शिविर में कुल 153 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ। रक्तदान करने वालों को सम्मानित भी किया गया। श्री प्रजापति जेम्स एंड ज्वेलरी विकास समिति के अध्यक्ष रामस्वरूप प्रजापति ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते यह तृतीय रक्तदान शिविर थोड़ा विलंब से आयोजित हुआ, लेकिन फिर भी समाज बंधुओं ने रक्तदान को लेकर काफी उत्साह रहा। बड़ी संख्या में युवाओं और महिलाओं द्वारा रक्तदान किया गया। समिति के कोषाध्यक्ष रामस्वरूप प्रजापति ने बताया कि प्रजापति समाज में रक्तदान को लेकर जागरूकता का संदेश देने और जरूरतमंद मरीजों की जान बचाने के लक्ष्य को लेकर समिति हर वर्ष रक्तदान शिविर आयोजित करती है। रक्तदान महादान का संकल्प लेकर समिति द्वारा ये आयोजन किया गया। समिति के महामंत्री श्री सोभाग प्रजापत ने समिति द्वारा किए जा रहे अन्य सामाजिक कार्यों को और सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्यों से रूबरू कराया। कार्यक्रम में श्री यादे माटी कला बोर्ड के उपाध्यक्ष पप्पूलाल प्रजापति ने सभा को संबोधित करते हुए बताया कि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं। जिस प्रकार से प्रजापति समाज ने रक्तदान के प्रति जागरूकता आई है, उससे अन्य समाज को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टर राजाराम बसीरा, प्रभारी अधिकारी ब्लड बैंक राजकीय जयपुर चिकित्सालय जयपुर ने सभी को रक्तदान के फायदे और जरूरत होने पर ब्लड बैंक से ब्लड प्राप्त करने और रक्तदान शिविर आयोजित किए जाने की प्रक्रिया सभी से साथ साझा की। डॉक्टर राजाराम ने श्री प्रजापति जेम्स एंड ज्वेलरी विकास समिति के आयोजन के लिए सभी आयोजनों को जयपुर चिकित्सालय की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित किया। इस दौरान राजस्थान प्रदेश प्रवक्ता मदनलाल प्रजापति, समिति पदाधिकारी नंद किशोर प्रजापति, कैलाश हानिया, अशोक प्रजापत, रूपचंद प्रजापति, राधेश्याम प्रजापति, रामनिवास मुकेश प्रजापति, सीताराम प्रजापति, एडवोकेट गिरिराज प्रजापति, जयराम प्रजापति, ज्योति प्रकाश प्रजापति समेत समाज बंधु मौजूद रहे।